खबर रायपुर से है जहां कांग्रेस महाधिवेशन का आज आखिरी दिन है। अधिवेशन में आज तीन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बता दें किसान, सामाजिक न्याय, युवा, शिक्षा, रोजगार के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और अब से कुछ देर बाद यानी 9:30 बजे के आसपास प्रस्तावों पर चर्चा शुरू की जाएगी और सुबह 10:30 बजे महाधिवेशन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और दोपहर की बात करें तो करीब 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समापन भाषण भी देंगे और दोपहर 2 बजे राष्ट्रगान के साथ महाधिवेशन का समापन हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समापन समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे राष्ट्रगान के साथ महाधिवेशन का समापन कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। आज कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। दोपहर 2 बजे राष्ट्रगान के साथ महाधिवेशन का समापन भी हो जाएगा। बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर रायपुर से है जहां कांग्रेस महाधिवेशन का आज आखिरी दिन है। अब से कुछ देर बाद प्रस्तावों पर चर्चा शुरू कर दी जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 9:30 बजे के आसपास समापन समारोह करीब 2 बजे होगा। मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आज महाधिवेशन का आखिरी दिन रहने वाला है, कब से प्रस्तावों को लेकर चर्चा शुरू कर दी जाएगी? देखिए, सुबह के 10:30 बजे का वक्त तय है जब राहुल गांधी इस मुख्य मंच पर होंगे, जहां से वो आज अपना संबोधन करेंगे, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जो है संबोधित करेंगे और उसके साथ फिर प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्दों पर बातचीत होगी, कृषि प्रस्ताव पर बातचीत होगी और युवा जो है नीति पर बातचीत होगी। तो उसकी तैयारी लगभग जो है वो पूरी हो चुकी है। कुछ देर में जो है यहाँ पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तमाम लोग पहुँचेंगे और आज का यह जो सत्र है वो समापन सत्र है और दोपहर 1:30 से 2 बजे का वक्त है मल्लिकार्जुन खड़गे का समापन भाषण के लिए। तो उस दौरान जो है वो समापन भाषण देंगे, लेकिन उसके बाद एक आम सभा भी होगी जहां पे तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे और उस आम सभा को संबोधित करेंगे। स्थानीय संपादक आशीष तिवारी जी हमारे साथ हैं। जो अब तक का सत्र रहा है, पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, स्टेयरिंग कमेटी की बैठक, सब्जेक्ट कमेटी की बैठक और कल अधिवेशन सत्र का पहला दिन था और जो संबोधन हुआ है, उससे अब क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में या इनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए, 2 महत्वपूर्ण मैसेज कल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है कि सेवा, समर्पण और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। एक फैक्टर बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी का जो रूपरेखा आने वाले दिनों के लिए है वो क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में देखने को मिली कि जिस तरीके की चर्चा चल भी रही थी कि विपक्षी दलों को एक अम्ब्रेला के नीचे कैसे लाया जाएगा, तो उसका एक फॉर्मूला खड़गे ने दिया है कि सबकी भागीदारी, सबकी साझेदारी, यानी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यूपीए की सरकार के दौरान देखने को मिला था, जब सूचना का अधिकार आया, जब खाद्य सुरक्षा कानून आया, जब रोजगार गारंटी मनरेगा के तौर पर यूपीए की सरकार ने दी थी, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस तरीके से डेवलप किया गया था, लगभग उसी पैटर्न, उसी फॉर्मूले पे कांग्रेस का जो है वो काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। और लगता है कि अब कांग्रेस अपनी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ बातचीत की का जो दौर है वो तेज करेगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत कांग्रेस पार्टी करेगी। हालांकि आज जब राहुल गांधी अपना भाषण देंगे तो मुमकिन है कि उस पहलू पर भी राहुल गांधी कुछ जोर, जो 3 प्रस्तावों पे जो चर्चा होगी उन प्रस्तावों पर जो बातचीत होगी तो उसमें क्या मैसेज होगा, उसमें क्या संकेत? एक तो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है युवाओं को लेकर जो आ रहा है, कांग्रेस ने पहले ही ये तय कर लिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी संगठन के भीतर हो, बगैदा संविधान संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये एक बड़ा फैक्टर हुआ। कृषि की जो बात आपने कही थी वैभव, कि कृषि एक बड़ा एक फोकस पॉइंट कांग्रेस पार्टी का है, इस लिहाज से भी क्योंकि छत्तीसगढ़ एक मॉडल कांग्रेस के पास है कि छत्तीसगढ़ में कैसे कांग्रेस ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया और आज स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है सब लोग जानते हैं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल को अब देश में किस तरीके से लेकर पार्टी जाएगी, ये एक बड़ा फैक्टर होगा। और शायद आज जब कृषि को लेकर जब प्रस्ताव आएगा तो उसमें वो पुट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट कमेटी की बैठक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने लगभग एक
प्रेजेंटेशन दिया था वो एक प्रेजेंटेशन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। और जो सामाजिक न्याय की जो बात हो रही है, प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जब राहुल गांधी भाषण देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम अपडेट्स देने के लिए।